जय गायत्री माता मित्रों, चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर जाके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ, हम चल रहे हैं कलश यात्रा में। कलश यात्रा, जी हाँ, कानपुर में हुआ है 151 कुंडी यज्ञ विजयन स्वरूप पार्क में, और वहाँ से कार्यक्रम के प्रथम दिन में निकली है कलश यात्रा। तो देर ना करते हुए पहले हम चलते हैं पार्क के अंदर, और चूंकि आज प्रथम दिवस है तो हम देखते हैं कि ये पार्क किस तरीके से सुसज्जित किया गया है। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हमको तरह तरह की तख्तियाँ मिल जाती हैं, गुरुदेव की और वंदनीय माता जी के कुछ वचनों की और शुभ आशीषों की। इसके पश्चात हम चलते हैं अंदर, जहाँ पर आपको दिख जाएंगे 151 कुंड, जिनमें कल से महायज्ञ की शुरुआत होगी। ये सारे कुंड भी भक्तों ने अपने सेवा कार्य के दौरान बनाए हैं। प्रथम दिन कलश यात्रा और बाकी के चार दिनों में 151 कुंड में हवन तो होगा ही, इसके अलावा बहुत सारे संस्कार जैसे यज्ञोपवीतन और गर्भ संस्कार, नामकरण संस्कार इत्यादि सारे संस्कार वहां पर निशुल्क संपन्न किए जाएंगे। नमस्कार, मैं शशि गुप्ता आपका विजन स्वरूप पार्क कानपुर में स्वागत करती हूँ, और अब हम चलते हैं कलश यात्रा लेके। हम चलते हैं अब देखने कि कितनी तैयारी हो गई है कलश उठाने की, कितने सुंदर कलश बने हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं आज के कार्यक्रम की और आगामी आने वाले 5 दिवसीय महायज्ञ की। आज की ये कलश यात्रा सिर्फ कलश यात्रा ही नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे भव्यता के भी दर्शन होंगे। तो ये देखिए, सिर्फ कलश ही ना होके यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर रथ सजे हुए हैं, और जिनका की कोई ना कोई प्रयोजन है, जैसे कि ये रथ माता गायत्री को तक ले जाने के लिए ही सजाया गया है, और इसके पश्चात भोले बाबा का, माता गायत्री का, मास दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का, वीर शिवाजी का, और बहुत सारे छत्रानियों का जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बहुत त्याग किए हैं, उन सभी के भी रथ इस कलश यात्रा के साथ चलेंगे। साथ ही साथ नशा मुक्त देश बनाने की भी प्रतिज्ञा गायत्री परिवार की है, अतः नशा मुक्ति हेतु भी एक जागरण रैली भी साथ में रहेगी। तो अभी तो शुरुआत हो रही है कलश यात्रा की, और आप भी हमारे साथ इस भव्य कलश यात्रा में साथ चलिए। आपको स्काउट गाइड के बच्चों की धुन की तो आवाज सुना ही दे रही होगी, तो ये आह्वान है कि अब हम तैयार हैं निकलने के लिए, और साथ में अब होने वाला है शंखनाद। शंखनाद के साथ सभी अपना कलश उठाइए, और गायत्री माता की जय बोलते हुए हम इस कलश यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। नगर भ्रमण करेंगे, यात्रा कराएंगे, इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार उठता है कि कलश यात्रा की क्यों जाती है। जैसा कि हम अपने पिछले कलश यात्रा के वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार रूप से बता चुके हैं, परंतु यहाँ पर भी बताना बहुत जरूरी हो गया है कि कलश यात्रा क्यों की जाती है। हर शुभ कार्य एवं धार्मिक कार्य करने से पहले कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश यात्रा साक्षी होती है एक शुभ काम करने के लिए। कलश यात्रा आवाहन होता है एक धार्मिक कार्य करने का। साथ ही में कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश एवं सातों नदियों का जल होता है, जिससे कि वातावरण में शुद्धता आती है। और कलश यात्रा निकालने का एक और भी उद्देश्य होता है कि जो लोग इस धार्मिक कार्य में
विशेष कार्य में किसी ना किसी वजह से शामिल नहीं हो पा रहे हैं और वो अगर इस कलश यात्रा में शामिल होते हैं तो उन्हें पूर्ण कार्यक्रम का यानी पूर्ण धार्मिक कार्य का लाभ मिलता है। चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि कलश यात्रा का महत्व क्या है। वैसे शास्त्रों एवं धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कलश यात्रा का मतलब होता है कलेशों का निवारण। कलेशों के नाश के लिए ही कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश यात्रा से मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। कलश यात्रा से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कलश यात्रा में जो जीव जो जो पग आगे रखे कोटि यज्ञ फल होए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो जीव जैसे जैसे पग कलश यात्रा में आगे बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता जाता है। सो कलश यात्रा प्रदर्शन का विषय नहीं है, वैभव का विषय भी नहीं है, बल्कि ये प्रभु के दर्शन का विषय है। अतः अपने हृदय में प्रभु का वास करके मन और वाणी को संयम करके हम चलते हैं कलश धारण करके आगे की ओर। स्त्री पुरुष बच्चे सब चल रहे हैं कलश धारण करने। जो स्त्रियाँ चलने में भी असमर्थ हैं वो भी प्रभु का ध्यान करके धीरे धीरे चल रहे हैं कलश यात्रा के साथ। बहुत सारी हमारी बच्चियाँ स्कूटी में भी सवार हैं, कुछ बच्चे स्काउट गाइड के हैं, कुछ बहनें हमारी पोथी लिए हुए हैं और यहाँ पर कानपुर के 7 जोनों के सभी बहनें अपने साथ कलश लेके सुंदर झंडे लेके अपना बैनर लेके चली जा रही हैं और साथ में आह्वान करती जा रही हैं धरती माता का। तो हमारे साथ आप भी आह्वान करते हुए चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितर्वरीयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ये है स्कूटी में सवार वो प्यारी बच्चिया, उनके भी मुख से गाते मंत्र ही निकल रहा है। आज की कलश यात्रा में हम कलश लेके तो नहीं चल रहे हैं, हम एक रथ में बैठे हुए हैं। और अगर आप पहचान जाएं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं कहाँ थी। और इस वीडियो के कुछ अंश शुक्लागन के संग्राम सिंह अंकल ने मुझे रिकॉर्ड करके दिए, जिससे कि मैं एक वीडियो जो कि कलश यात्रा का है वो पूर्ण रूप से बना सकूँ। इस बार की कलश यात्रा में एक बात बहुत खास थी कि सभी जोनों ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी और सभी जोनों ने अपने बैनर के तले अपने सुंदर सुंदर रथ बनाए थे और खुद का एक ड्रेस कोड भी किया हुआ था जो कि देखते ही बनता था। यात्रा तो कर ही रहे हैं और कलश लेके भी चल रहे हैं, साथ ही साथ हम आह्वान भी करते जा रहे हैं और लोगों को निमंत्रण भी देते जा रहे हैं कि कल से वहाँ पर विजय स्वरूप पार्क में 4 दिवसीय महायज्ञ होगा और साथ ही साथ बहुत सारे संस्कार भी संपन्न होंगे। तो जितने भी हमारे भाई चल रहे हैं, जितनी बहनें चल रही हैं, वो आसपास के लोग जो कि चल रहे हैं उनको ये भी बताती चल रही थी। हमारी कोशिश रहती है और हम सबको नशे से दूर होना चाहिए। इस बारे में ही बहुत ही हृदयस्पर्शी झांकी इस जोन के लोगों ने तैयार करी है। हाथ में तख्तियाँ और लोगों ने मास्क लगा रखे हैं कि नशा जो क्या होता है और नशे से हमारे शरीर का क्या अंजाम होता है, हमारा परिवार कैसा हो जाता है, इसके बारे में ये लोगों को जागरूक करते जा रहे हैं। नशा छोड़ो, देश को उज्जवल बनाओ, भविष्य अच्छा बनाओ, ऐसे हमारे भी लिखे हुए थे। नशा उन्मूलन रैली साथ में चल रही है।
कलश यात्रा आदनगर मदुरा नर्सिंग होम मेट्रो स्टेशन मोती झील से ब्रिजन स्वरूप पार्क में समाप्त हुई। देव मंच से शांति गज हरिद्वार की टोली नायक श्याम भाई दुबे ने वैदिक मंत्रों का भी कलशों का पूजन किया। ये कलश धारण करे हुए हमारे संग्राम सिंह अंकल हैं, जिन्होंने हमारा वीडियो बनाने में हमें बहुत सहयोग दिया, जिनकी मदद से हम इतना सुंदर वीडियो बना पाए। मैंने ये वीडियो रथ से शूट किया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है। Oh, my God.
कलश यात्रा सभी को आह्वान करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर यानी फिर से वीरेंद्र रूप पार्क में आ गई है। तो अब हम आपको दिखाते हैं वंदनीय माता जी और गुरुदेव जी का रथ, जिसमें गायत्री माता स्वयं विराजित हैं। ये रथ देखिए कितना सुंदर है, और यहाँ से प्रसाद जरूर हम भी लेंगे। और शिवाजी जैसे कितनी सुंदर छवि बनी हुई है वंदनीय माता जी और गुरुदेव के साथ। अब श्री श्याम बिहारी दुबे जी जो कि आए हुए हैं देव मंच शांति कुछ हरिद्वार की टोली के साथ, अब वो सभी कलश का वैदिक मंत्रों के द्वारा कलशों का पूजन करेंगे। इसके पश्चात आरती ये होगी आज की कलश यात्रा संपन्न। अब हम कल मिलेंगे सुबह मंत्रों के साथ यज्ञ यानी महायज्ञ में। संपूर्ण कलश यात्रा का वीडियो देखने का धन्यवाद। हो सके तो इसको और लोगों को भी शेयर करें।